सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाने के लिए पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत देश के वंशज है, संघर्ष जो आज है वो आज नहीं तो कल पूरा होगा। वहाँ पे खड़गे साहब ने कहा कि विदाउट गांधी नो कांग्रेस, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो ये माना जा सकता है कि गांधी परिवार के चाहने वाले बहुत है, तो वो उनके बीच लगभग जीत तय है, परसों सिर्फ औपचारिकता बाकी है। लेकिन बीजेपी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, बीजेपी को थैंक यू क्यों बोलेंगे, कितने सालों के बाद कांग्रेस में वोटिंग हो रहा है, ये तो बीजेपी के वजह से है ना, नहीं तो कहाँ होता था, ऐसे ही चुन लिए जाते। बीजेपी में लोकतांत्रिक पद्धति आज भी जीवित नहीं है, दो लोग जो चाहते हैं वो पार्टी चला रहे हैं, उनको विराजमान कर दिया जाता है। एक कारण बता दीजिए जिसकी वजह से खड़गे जी को नहीं जीतना चाहिए, और एक कारण बता दीजिए जिसकी वजह से इनको जीतना चाहिए। देखिए, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। आप वोट अपील कर रहे हैं शशि थरूर के लिए, ये डिसाइड जो है डेलीगेट्स करेंगे। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें प्रोफेशनल विंग है। अभी प्रोफेशनल लोग क्या चीज में प्रोफेशनल है उसी की परीक्षा आज है। अगर प्रोफेशनल विंग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते तो माना जाएगा कि प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए थे या अनप्रोफेशनल। एकमात्र इकलौते शख्स ऐसे हैं जो शशि थरूर जी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब 319 वोट में कितना वोट उनको दिलवा पाएंगे, कितना वोट मिलेगा आपके नेता? देखिए, अच्छा खासा रिस्पॉन्स झारखंड में रहा है। डॉक्टर शशि थरूर जी ने पर्सनली टेक्स्ट भी किया है सबको, जितने भी डेलीगेट्स हैं, और मैं भी पर्सनली कॉल पे सबसे बात किया हूँ। सबको चेंज चाहिए, एक चेंज के तहत में सब काम कर रहे हैं। एक विजन है डॉक्टर शशि थरूर का कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे, हर पटल में भागीदारी कार्यकर्ता का रहे, और जो संपर्क और संवाद थोड़ा बहुत जो कम हो गया था उस संवाद को फिर से कायम करे, यही उद्देश्य प्रोफेशनल लोग का है, और डॉक्टर शशि थरूर का भी यही उद्देश्य के साथ, इसी विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वहाँ पे खड़गे साहब ने कहा कि विदाउट गांधी नो कांग्रेस, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो ये माना जा सकता है कि गांधी परिवार के चाहने वाले बहुत है, तो वो उनके बीच लगभग जीत तय है, परसों सिर्फ औपचारिकता बाकी है। देखिए, हमारे नेता 3500 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, राहुल गांधी जी, यही विजन है भारत जोड़ने का। 2014 के बाद जो अराजकता की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फैला के रखा है, उसे रोकने के लिए एक नए अध्यक्ष की आवश्यकता थी, चाहे वो आदरणीय खड़गे जी बने चाहे थरूर जी बने। उसी उद्देश्य के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करेगी, और मजबूत भारत का निर्माण, किसी ने ठीक ही कहा है बाबा, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाने के लिए पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत देश के वंशज है, संघर्ष जो आज है वो आज नहीं तो कल पूरा होगा। संघर्ष है भारत को बनाने का, युवाओं को रोजगार दिलाने का, किसान को उच्च दाम दिलाने का, और महिला सुरक्षित होने का, यही देश का कामना कांग्रेस पार्टी करता है। उसी लक्ष्य के साथ थरूर भी काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, बीजेपी को थैंक यू क्यों बोलेंगे, कितने सालों के बाद कांग्रेस में वोटिंग हो रहा है, ये तो बीजेपी के वजह से है ना, नहीं तो कहाँ होता था, ऐसे ही चुन लिए जाते। बीजेपी में लोकतांत्रिक पद्धति आज भी जीवित नहीं है, दो लोग जो चाहते हैं वो पार्टी चला रहे हैं, उनको विराजमान कर दिया जाता है। कांग्रेस का जीता जागता उदाहरण है, भले ही अंतराल थोड़ा कुछ ज़्यादा रहा 25 साल का, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र आज भी जीवित है कांग्रेस पार्टी। आप बूथ बनाए हैं कहीं पे, यहाँ पे लोग हैं, ये सारे प्रोफेशनल कांग्रेस के लिए, प्रोफेशनल कांग्रेस के तरफ से सब कोई है ना। देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से, मैं डॉक्टर शशि थरूर जी के तरफ से पोलिंग एजेंट हूँ, और अब टीक तो बहुत सारा मार रखे हैं, वोट कोई मिल रहा है कि नहीं? देखिए, टीक हम लोग ऑलरेडी 80% के आसपास पहुँच गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ फैसला आज होगा, मतलब जो फैसला दो दिन बाद होना है, वो पॉजिटिव होगा, और दोनों में से कोई भी बनेंगे वो होंगे कांग्रेस के ही। ठीक है, लेकिन एक सीनियर नेता, हालांकि वो बोले नाम नहीं बताने, नहीं तो बोले कि युवा लोग मेरा घर पे धरना दे देगा, बोले 19 वोट नहीं आएगा झारखंड से शशि थरूर को 319 में। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, बट पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो दोनों
एक माहिर और जाने माने दिग्गज नेता हैं और नेशनल लेवल के उनकी पहचान की जरूरत पूरे वर्ल्ड में बताने की। एक ठीक है, एक कारण बता दीजिए जिसकी वजह से खड़गे जी को नहीं जीतना चाहिए और एक कारण बता दीजिए जिसकी वजह से इनको जीतना चाहिए। देखिए ये तो हम नहीं बोलेंगे कि जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। आप वोट अपील कर रहे हैं शशि थरूर के लिए, ये डिसाइड जो है डेलीगेट्स करेंगे, डेलीगेट्स के पास। कोई तो कारण बोलते होंगे ना कि शशि थरूर आएंगे तो बेहतर होगा, वो कारण बता दें। शशि थरूर आएंगे तो उनका 10 पॉइंट है, बहुत सारा उसमें ये दिया गया है कि जैसे बूथ लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक जो गैप था, जो दूरी था, वो दूरी को मिटाने जाएंगे, मिटाने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा, एक नई जान आएगी, हम इसके साथ बीजेपी को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। टी शर्ट वाला को कोई पसंद नहीं कर रहा है और जींस वाले, टी शर्ट वाला को सब पसंद कर रहा है, कांग्रेस में कोई पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद कर रहा है कांग्रेस, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी वाला भी पसंद कर रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी के टी शर्ट पे बवाल मचा हुआ, इसीलिए वारिस कुरैची भी टी शर्ट पहने हुआ है राहुल गांधी को अनुसरण करते हुए। कह रहे पुराना चावल ही ठीक रहे, नहीं नया चावल भी जो आज की डेट में चल रहा है, पुराना चावल तो जो देर से पकता है, नया चावल तो तुरंत और कम ही धाम में पक जाता है। देख लीजिए शशि थरूर जी के लिए ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, हालांकि नतीजा परसों आएगा लेकिन ये माना जा रहा है कि खड़गे साहब एक तरफा जीत हासिल करेंगे, ये सब औपचारिकता मात्र है। लेकिन प्रोफेशनल कांग्रेस की मेहनत तभी दिखेगी जब यहाँ अधिकतर वोट यहाँ से शशि थरूर को जाएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है, हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in